प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के अंग्रेजी की वर्कशीट नंबर 11 जो कि 23 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, इसे इंग्लिश हिंदी जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, फिर उसको हिंदी में भी हम डिस्क्राइब कर देंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वर्कशीट में हमने द एंट एंड द क्रिकेट जो पोयम आपकी है उसको पढ़ा था, उसके बारे में उसके कुछ स्टैंजास पढ़े थे और उससे रिलेटेड जो वर्कशीट थी एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस उनको सॉल्व किया था। इस वर्कशीट में भी उससे रिलेटेड स्टैंजा है और फिर उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपके सामने क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, टेक द क्वालिटीज़ यू वांट इन योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड में क्या क्या क्वालिटीज़ विशेषताएँ ऐसे जो आप जिसे आप मित्र बनाना चाहते हो, आपका जो मित्र है उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या खूबी होनी चाहिए आपको टिक करना है। तो ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल हेल्पफुल, स्टडियस, रेगुलर, केयरिंग हो, सिंसियर हो, हैप्पी हो, लेजी नहीं, आलसी दोस्त नहीं चाहिए, इरिटेटिंग नहीं चाहिए, केयरलेस नहीं चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, सेल्फिश नहीं चाहिए। तो हमने टिक कर दिया। आपको अगर सेल्फिश चाहिए तो आप सेल्फिश में टिक करो। आपको कैसे फ्रेंड्स चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हों वहाँ आपको टिक करना। अब देखिए इनका मतलब समझ लेते हैं। ऑनेस्ट ईमानदार, हेल्पफुल जो सहयोग करने वाला, स्टडियस मतलब पढ़ाने वाला हो, रेगुलर मतलब निरंतर हो, नियमित हो, जो भी मतलब नियमित स्कूल आने वाला हो, नियमित काम करने वाला हो, मतलब नियम के प्रति बहुत जागरूक हो, लेजी आलसी नहीं हो, हैप्पी खुश रहने वाला हो, सिंसियर बहुत ही एकदम सिंसियर हो, यानी कि सिंसियर मतलब होता है सच्चा या नेक हो, केयरिंग आपका ध्यान रखने वाला हो, इरिटेटिंग ना हो मतलब परेशान करने वाला ना हो, केयरलेस असावधान ना हो, नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो, सेल्फिश वो मतलब भी ना हो, तो ऐसा होना चाहिए। अब पढ़ते हैं स्टैंजा की तरफ। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू लर्न नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोट द क्रिकेट नॉट। ये स्टैंजा 3 है, यानी सेज द एंड टू द क्रिकेट, उस जो चींटी और टिड्डे की जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे उसमें था कि जब गर्मी का मौसम था तो चींटी ने अपने लिए भोजन खाने के साथ साथ इकट्ठा भी किए और जो टिड्डा था वो आराम से धूप में खूब गाता रहा, खाता रहा। उसने ये ध्यान नहीं किया जब ठंड आ जाएगी, हर तरफ बर्फ़ पड़ जाएगी और मौसम एकदम ख़राब होगा, पत्तियाँ तक नहीं रह जाएंगी पेड़ों पर, फिर वो क्या खाएगा। तो जब ठंड से मरने लगा, भूख से मरने लगा ठंड में, तो चींटी के पास गया उधार मांगने। चींटी ने कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी नौकर और दोस्त दोनों हूँ, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम जो चींटियाँ होती हैं ना तो कभी बोरो यानी उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना, ना तो हम कभी किसी से उधार लेते हैं ना कभी किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे टिड्डे भाई बताइए, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी का मौसम था तो क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। कोट द क्रिकेट नॉट, क्रिकेट ने टिड्डे ने कहा, नहीं मैंने तो कुछ इकट्ठा नहीं किया। अब आगे 4th स्टैंजा है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। वो कहता है मेरा एकदम उस मौसम में मेरा जो दिल था वो बहुत ही प्रसन्न था, आई सैंग डे एंड नाइट, मैं तो एकदम रात दिन गाता रहा, फॉर द नेचर लुक्ड गे, और पूरी जो नेचर प्रकृति थी उसको देख के गे मतलब प्रसन्न होता रहा। यू सैंग सर, यू से एंड चींटी ने कहा, सर आपने कहा आप गाना गाते रहे, गो देन से द एंड डांस द विंटर अवे, तो फिर जाइए और अब ठंडी आ गई है अब डांस करिए। तो चींटी ने उसको जवाब, तो मॉरल ये है कि हमें क्या है, हमेशा आलसी होके अपनी जो सिचुएशंस हैं उसमें केवल आराम नहीं करना चाहिए, हमें अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए, करियर के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपका जैसे मान लीजिए कि काम मान लीजिए आसान हो गया या अभी काम चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, आप आगे की तैयारी करिए कि आगे के चैप्टर्स आएंगे कैसे पढ़ेंगे, आगे की ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये इसका मोरल है।
तो टिड्डे और चींटी की कहानी। अब हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोयम एंट एंड द क्रिकेट राइट द आंसर इन द ब्लैंक बिलो। आपको यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया गया, इनको किसने कहा आपको क्या करना है लिखना है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंड, ये तो क्रिकेट ने कहा भाई साहब, यानी टिड्डे ने कहा। यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिकेट। डिड यू ले नथिंग, ये तो एंट ने कहा था, चींटी ने। गो देन, ये भी चींटी ने कहा था, जाइए और डांस करिए, ये चींटी ने कहा था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना, सेंटेंस को रीअरेंज करना, जैसे 1, 2, 3, 4 में, टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोयम, ताकि आप पोयम की समरी बना सकें। एक सारांश, समरी मतलब होता है सारांश, यानी संक्षेप में। अब क्या करना आपको, मतलब किस पहले क्या चीज़ आई, फिर क्या चीज़ घटित हुई, फिर क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के रियलाइज करना है। सीक्वेंस में यानी क्रम में, क्रम वही होता है ना। अब देखिए पढ़ते, द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग, इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टॉर्मिंग एंड थस ही वेंट टू द एंड। द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। द एंड आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर, ही रिक्वेस्टेड द एंड टू लेंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। अब देखिए, तो द क्रिकेट सैंग, ये पहला एकदम सही है, जो टिड्डा था गर्मी और बसंत के जो मौसम था उसमें उसने क्या किया, खूब गाना बाना बजाया। जब विंटर आ गई तो वह भूखा रहने लगा और उसके बाद वह कहाँ गया, चींटी के पास। चींटी के पास जाके क्या किया, ही रिक्वेस्टेड द एंड टू लेंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। उसने कहा हमें घर भी, अपने घर में हमें शेल्टर दो और हमें कुछ खाना दो, ये थर्ड हो गया। फिर क्या हुआ, चींटी ने उससे पूछा इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर, क्या उसने विंटर के लिए खाना नहीं स्टोर किया, तो ये फोर्थ हो गया। उसने उत्तर दिया वो तो क्या गर्मी में उसने क्या किया, कुछ भी स्टोर नहीं किया, फाइव। तो देखिए हमने कैसे सीक्वेंस कर दिया। अब इसको आप जब सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपकी पूरी स्टोरी की समरी बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट को करिए और इसे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर के साथ शेयर करें, ताकि आपकी वर्कशीट का इवोल्यूशन हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।